इंसान को जिंदगी में चोटें लगती हैं, वो खड़ा होता है, चल पड़ता है। जानते हैं इंसान कब दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता, जब उसको पता चलता है कि उसे गिराने वाला तो वो था जिसके लिए वो खड़ा था। वो वक्त बदल जाता है जो घड़ियां बताती हैं, वो नहीं बदलता जो दिलो दिमाग में रह जाता है। मिलना और बिछड़ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना जिंदगी की उम्मीद कहलाता है। फासिला किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता, और वक्त किसी नए रिश्ते की तख्लीक नहीं करता। अगर जज्बात सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। एक कीमती पत्थर रगड़ के बगैर नहीं चमक सकता, और एक इंसान आजमाइशों के बगैर कमाल तक नहीं पहुंच सकता। शक का पौधा जड़ पकड़ जाए तो रफ्ता रफ्ता बड़ा दरख्त बनकर एतमाद की अजीमुल शान इमारत को नीस्तो नाबूद कर देता है। बाकियों के लिए हादसा होता है, जिस पर गुजरती है उसके लिए सदमा होता है। किसी इंसान के सबर, बर्दाश्त और खामोशी को कमजोरी समझना आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ये खसूसियात उन लोगों के रवैयों की वजह से या जिंदगी के तजुर्बात से आई हो। धोखा देने से बहुत बेहतर ये है कि खामोश हो जाओ, पीछे हट जाओ, सच बोल दो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम सच बोलना और उसे तस्लीम करना ही है। तलब और मतलब में फर्क सिर्फ मीम का है, और इस मीम का मतलब मौका है। कोई शीशा इंसान की इतनी हकीकी तस्वीर पेश नहीं कर सकता जितनी उसकी गुफ्तगू पेश करती है। नर्म गुफ्तगू से बढ़कर इस दुनिया में कोई बुजुर्ग नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसकी जुबान से किसी को खौफ नहीं होता, जिसके पास एक हमदर्द कलाम है, वो लोगों के दिलों पर मेहरबान है।